हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको लेकर आऊँ ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में एक विंटर की टाउनशिप है अंचल गोल्फ लिंक 1, जिसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे वीडियो में। अगर आप नोएडा दिल्ली साइड से आते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे, तो किस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी है, क्या रोड के साइज है, क्या प्लॉट के साइज होंगे, किस तरीके का रेट है, किस तरीके से पार्क वगैरह है, किस तरीके से ये टाउनशिप जो है वो डेवलप्ड है, ये सेक्टर डेवलप्ड है अंचल गोल्फ लिंक, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखते रहिए, तो सारी जानकारी जो है वो वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो पहले मैं आपको पहले कनेक्टिविटी के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी है। आप इधर देखेंगे तो ये नोएडा एक्सप्रेसवे है, जो परी चौक से इधर की साइड आपको परी चौक देखने के लिए मिलेगा, और परी चौक से आप इधर की साइड जो है नोएडा एक्सप्रेसवे से नोएडा या दिल्ली की साइड जो है वो आप जा सकते हैं इस तरीके से। जिस पे अगर यहाँ बात करें मेट्रो स्टेशन की, तो आपको यहाँ पे दो मेट्रो स्टेशन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। एक आपको यहाँ पे नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन देखने के लिए मिलेगा पास ही में, और आप इधर चलेंगे तो आपको यहाँ पे परी चौक मेट्रो स्टेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दो मेट्रो स्टेशन जो है वो साथ में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इजीली अगर आप नोएडा दिल्ली जाना चाहते हैं और उधर से आप आना चाहते हैं, तो आप इजीली जो है मेट्रो से यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि पास ही में बिल्कुल नॉलेज पार्क 2 जो मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल पास ही में है, और इधर आपका परी चौक जो है मेट्रो स्टेशन वो भी थोड़ी सी दूरी पे है। और परी चौक भी यहाँ से, जैसे कि आप परी चौक एक मिडिल में पड़ता है ग्रेटर नोएडा के, और आप वहाँ से कहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस है परी चौक का, आप वहाँ पर देख सकते हैं। सामने ही आपको यहाँ पर कॉमर्शियल मार्केट जो है वो भी मिल जाती है, और इधर आप देखेंगे तो आपको ये सामने SNG प्लाजा है जो आपको सामने ही देखने के लिए मिलेगा। इसी में हमारा ग्राउंड फ्लोर पे G35 नंबर ऑफिस है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ग्रेटर नोएडा में अगर आप प्लॉट वगैरह देख सकते रहे हैं, तो आप हमारे ऑफिस भी यहाँ पे आ सकते हैं, जो SNG प्लाजा के आपको अंदर जो है ग्राउंड फ्लोर पे देखने के लिए मिलेगा। तो अभी ये आप देखें, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये गेट नंबर 2 है टाउनशिप के अंदर जाने के लिए, सेक्टर के अंदर जाने के लिए, अंचल गोल्फ लिंक के अंदर जाने के लिए। बाकी गेट नंबर 1 जो है वो भी आपको जो 60 मीटर का रोड है, जो आपको नोएडा ये यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी जो उसके सामने से लेके जाता है, एक गेट आपको उधर की साइड से देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा सामने, आप देखेंगे ये रोड, देखेंगे आप सामने ये जो रोड है, अगर आप इस पर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो एक गेट आपको उधर से देखने के लिए मिलेगा, और एक गेट जो है आपको इस तरीके से यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ये 60 मीटर का रोड है, दूसरी साइड भी 60 मीटर का रोड जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब चलते हैं हम टाउनशिप के अंदर, और बाकी की जानकारी आपको अंदर चल के देते हैं। ये आप देखेंगे ये 24 मीटर का रोड है, जो इस वाले गेट से भी एंट्री करने पर स्टार्ट होता है, और उधर आप गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे तो भी आपको 24 नंबर गेट जो है वो सॉरी 24 मीटर का रोड जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर अंदर के रोडों की हम बात करें, जो अंदर रोड हैं जनरल रोड जो हैं, वो आपको यहाँ पे 12 मीटर के जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। और इस तरीके से आपको डेवलप्ड जो है वो सेक्टर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पासी में एजुकेशन का हब होने की वजह से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर PG टाइप से काफ़ी प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से, और आपको रेंट वगैरह का जो है वो काफ़ी काम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये पूरा एक एजुकेशन का जो हब है नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3 में उससे बिल्कुल लगा हुआ है। और साथ ही में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ज़्यादातर प्लॉट जो है वो कॉमर्शियल टाइप से थोड़ा ज़्यादा यूज होते हुए देखेंगे, कि यहाँ पर लोग PG पे रेंट वगैरह का काम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक अच्छी जगह पे ये आप देखेंगे। अगर आप ग्रेटर नोएडा में एंटर करते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही ग्रेटर नोएडा का फर्स्ट सेक्टर यही देख पाएंगे, अंचल गोल्फ लिंक 1। ये एक बिल्डर की टाउनशिप होने की वजह से इसमें अथॉरिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है, तो उससे थोड़ा सा रोड वगैरह जो है आप देखेंगे कि इतना अच्छा नहीं है। बाकी ये सेक्टर जो है ये काफ़ी अच्छी जगह पर है।
और पास ही में आप यहाँ से जब ये एक्सप्रेसवे जो है नोएडा एक्सप्रेसवे, इसकी दूसरी साइड में देखेंगे तो आपको एक्सपो मार्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे टाइम टाइम पे मेला लगता रहता है और उसमें भी यहाँ पे काफ़ी हलचल रहती है उस टाइम पे। यहाँ पे अगर रूम है तो काफ़ी कॉस्टली जो है वो रेंट पे उठते हैं, तो इसका भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। और बाकी यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए रेंट वगैरह पे इजीली उठ जाता है। और मोस्टली चारों तरफ इसमें कॉमर्शियल ही काम हो रहे हैं, जो मेन रोड पे प्लॉट्स हैं उनमें या अंदर की साइड भी काफ़ी प्लॉट इस तरीके से ही ज़्यादा यूज हो रहे हैं। बात करें यहाँ पे प्लॉट साइज़ की, तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि अथॉरिटी के सेक्टर जो है उनमें आप मीटर के हिसाब से प्लॉट जो है वो देखेंगे, मगर यहाँ पे आपको स्क्वायर यार्ड में प्लॉट जो है वो साइज़ देखने के लिए मिलेंगे। बात करें यहाँ पे साइज़ की, तो सबसे छोटा साइज़ जो है वो आपको 150 यार्ड का यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा स्क्वायर यार्ड का। उसके बाद आपको 239 स्क्वायर यार्ड का साइज़ जो है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद आपको 300 स्क्वायर यार्ड का साइज़ देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद आपको 360 स्क्वायर यार्ड का साइज़ देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको 472 स्क्वायर यार्ड का साइज़ जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ा साइज़ जो है वो आपको यहाँ पे 600 स्क्वायर यार्ड का साइज़ जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे छोटे बड़े सभी साइज़ के प्लॉट जो है वो आप देख सकते हैं। अब बात करें इसमें रेट वगैरह की साइज़ के हिसाब से, तो आप देखेंगे अगर 150 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट देखते हैं तो आपको 1,30,00,000 से लेके 1,40,00,000-1,45,00,000 के आसपास तक आपको इसका रेट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। बात करें 239 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की, तो 1,60,00,000 से लेके 1,80,00,000 तक आपको यहाँ पे रेट देखने के लिए मिल सकता है इस साइज़ के प्लॉट का। अगर बात करें हम 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की, तो 2,00,00,000 से लेके 2,30,00,35,40,00,000 तक आप देखेंगे कि आप 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें हम 360 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की, तो आप यहां पे 2,50,00,000 से लेके 2,80,00,000 रुपए तक आप इस तरीके का रेट जो है वो देखेंगे। बात करें 472 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट का क्या प्राइस होगा, तो आप देखेंगे कि 3,00,00,000 से लेके 3,50,00,000 तक का आप रेट देख पाएंगे। अगर बात करते हैं सबसे बड़ा साइज जो है 600 स्क्वायर यार्ड का, इसका प्राइस की बात करें तो 4,00,00,000 के आसपास का आप रेट देखेंगे। हो सकता है ये रेट थोड़ा सा आपको ज़्यादा भी देखने के लिए मिले, क्योंकि बड़ा साइज़ है और बड़े साइज़ जो है वो आपको 60 मीटर की फेसिंग में जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। जो रोड का 60 मीटर का साइज़ है उसके फेसिंग में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बात करें यहाँ के सर्कल रेट की, कि यहाँ पे सर्कल रेट जो है, यहाँ पे सर्कल रेट जो है वो 28,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का सर्कल रेट है। और अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेते हैं तो आप अगर लोन कराना चाहते हैं बैंक से, तो किसी भी बैंक से आप यहां पे लोन जो है वो करा सकते हैं। इजीली आपको लोन की सुविधा जो है वो मिल जाएगी। तो अभी हम पहले इस वाले गेट से हमने एंट्री करी थी और ये 24 मीटर का रोड है। अभी इस रोड पे आ गए तो फर्स्ट गेट जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप फर्स्ट गेट जो है वो देखेंगे, ये फर्स्ट गेट है, वो सामने ही 60 मीटर का रोड है जो आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से ये फर्स्ट गेट है, यहाँ से भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और आप इधर से एंट्री करना चाहें तो ये सेकंड गेट है, इससे भी आप एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी आप देखेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे आलीशान कुछ घर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, कुछ आपको यहाँ पे कंप्लीशन जो है वही देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से इस सेक्टर का डेवलपमेंट है। बाकी इसके बारे में कुछ और आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। आप यहाँ पे प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, आपका कोई प्लॉट है उसको आप सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। जो हमने नंबर प्रोवाइड कराया इस पे आप हमें कॉल करके उसकी जानकारी जो है ले सकते हैं, या अपने प्लॉट के बारे में बता सकते हैं अगर आप सेल करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो ग्रेटर नोएडा में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं या यमुना एक्सप्रेसवे पे देख रहे हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।